आज हम न्यूयॉर्क में मौजूद हैं लोकल सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, जो डीसी साहब का एक बड़ा इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट मंजूर के हवाले से उन्होंने लिया था। तो आज उसके इनोग्रेशन के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सेटअप रन कैसे होता है और चलाते हैं इसको किस तरह। ये जो नया सेटअप हमने इंस्टॉल किया है, ये सर्वर बेस्ड नेटवर्क है। इसमें जो भी एप्लीकेंट आ जाता है, पहले ये होता था कि जो एप्लीकेंट होता था वो मैनुअली तरीके से अपने फॉर्म डिफरेंट अदारों से डिफरेंट ऑफिसर से इनिशिएट करा के यहाँ पे आता था। अभी वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। अभी एप्लीकेंट खुद यहाँ पे मौजूद होकर उसका सबसे पहले टोकन जनरेट होगा। टोकन जनरेट होने के बाद उसका जैसे सीएनआईसी नंबर, इलेक्शन कमीशन और नादरा से ये दोनों कनेक्टेड है, इसकी वेरिफिकेशन चली जाएगी। जब तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी उसका डेटा एंट्री नहीं होगा। जैसे ही उसके सीएनआईसी अगर फर्ज करें वो बिलो 18 है तो गार्डियन के नाम से जाएगा। अगर अब वो 18 है उस एप्लीकेंट के अपने सीएनआईसी से उसकी वेरिफिकेशन जाएगी। जैसे ही वेरिफिकेशन अप्रूव होगी तो एक टेक्स्ट मैसेज जनरेटेड उसके फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद उसकी डेटा एंट्री हो जाएगी। डेटा एंट्री के होने के बाद जो लोकल सतह पे एक कमेटी डीसी साहब तश्कील देंगे वो इनिशिएट करके दे दिया जाएगा। बहुत सिंपल सा सिस्टम है, लेकिन ये है कि ऑटोमेटेड लेवल पे हम लोग लेकर, पहले जस्ट ये सिर्फ कंप्यूटराइज था, अभी हम उसको शिफ्ट कर चुके हैं ऑटोमेशन लेवल पर। और ये सर्वर बेस्ड नेटवर्क है। इसका मतलब ये सर्वर बेस्ड नेटवर्क है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने अभी 22 डिस्ट्रिक्ट में ये सिस्टम चल रहा है, ऑनगोइंग इंस्टॉल्ड है 22 डिस्ट्रिक्ट में, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एप्लीकेंट तुर्बत में उसकी सीएनआईसी या फिंगरप्रिंट तम मौजूद है, तो यहाँ पे आके जैसे ही वो अपना तम डालेगा या उसकी सीएनआईसी पैक जैसे ही हम कैप्चर करेंगे, सिस्टम खुद ही उसे स्टॉप कर देगा, ठीक है ना। तो ये मैं आप जितने भी साफी बरादरी हैं, जनरल पब्लिक है, उनका तावन हमारे साथ रहेगा। ज़्यादा जो है फिर हम डेटा